असलकम डियर स्टूडेंट्स होप सो यू ऑल विल बी फाइन स्टडी सही जा रही है आपकी ठीक है जी ज़ोको शौक के साथ अपने लेक्चर्स अटेंड करें दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ इन योर स्टडीज़ ठीक है डियर uh, स्टूडेंट्स आज हमने यूनिट थ्री स्टार्ट करनी है दिस इज़ अ पोएम ट्राई अगेन ठीक है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहती हूँ आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा किंग रॉबर्ट ब्रूस की स्टोरी उसमें क्या था स्पाइडर वाली स्टोरी थी कॉम्प्रीहशन पैसेज में याद आई आप लोगों को येस yes, जिसमें स्पाइडर के लिए एक लेसन था ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड तो ये जो ट्राई अगेन वाली स्टोरी है ये हम पोइम आज दोबारा पढ़ेंगे और इसमें क्या है इसमें क्या लेसन है आपके लिए चलें इसको स्टार्ट करते हैं देखें जी पोइम की मैं आपको ट्रांसलेशन करवा रही हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बट पोईम की ट्रांसलेशन आती नहीं है पेपर में इसकी हमेशा समरी आती है मैं आपको ये फर्स्ट स्टेंसा करवाऊँगी विथ ट्रांसलेशन और इसके साथ ये जो बॉक्स में क्वेश्चन गिवन है टेक्स्ट क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ये भी आपको मैं इसके साथ करवाऊँगी क्लियर चलें जी स्टार्ट करते हैं

दिस ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग है दिस अ लेसन ये एक सबक है यू शुड हीड जिस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो इफ़ एट फर्स्ट अगर पहली दफ़ा यू डोंट सक्सीड आप कामयाब ना हो, ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो देन योर करेज शुड अपीयर तब आपकी हिम्मत नजर आनी चाहिए फॉर इफ़ यू विल प्रिसर्व पर सर्व पर स्वेयर पर स्वेयर ठीक है ये वर्ड है पर स्वेयर पर स्वेयर का मतलब होता है अभी मैं आपको इसकी मीनिंग्स लिखवाती हूँ तो आपको इसका ज़्यादा आइडिया हो जाएगा पर स्वेयर होता है मुस्तकिल मिजाज ठीक है क्या है फॉर इफ यू विल परस अगर आप मुस्किल मिजाज रहोगे यू विल कन कर तो आप फतह हासिल करोगे नेवर फियर कभी शिकस्त का खौफ मत खाओ ट्राई अगेन दोबारा कोशिश करो ये पहला स्टेंसा है अब मैं आपको इसकी लिखी हुई ट्रांसलेशन दिखाती हूँ देखें जी ये एक सबक है जिस पर तुम्हें तवज्जो करनी चाहिए दोबारा कोशिश करो अगर पहली बार तुम कामयाब नहीं होते तो दोबारा कोशिश करो फिर तुम्हारी ज़रूरत नज़र आनी चाहिए क्योंकि अगर तुम मुस्तकिल मिजाज रहोगे तो तुम्हें फता होगी कभी ना डरो नाकामी से दोबारा कोशिश करो ये स्टैन्जा वन की ट्रांसलेशन है लेसन में पैराग्राफ होते हैं और पोइम में स्टैन्ज़ा होता है पहला शेर दूसरा शेर तीसरा शेर ठीक है ये इसको बंद भी बोलेंगे स्टैजा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स करते हैं पहला है हीड तवज्जो देना अटेंशन करिज हौसला ज़ुर्रत डेयर ब्रेवरी कामयाब टू बी सक्सेसफुल अपीयर जाहिर होना रिवील नजर आना साबित कदम रहना डेटरमाइन माइंड कंकर गालिबाना टेक ओवर फियर डर या खौफ स्टूडेंट्स uh, आपने ये सिनोनिम्स हैं इसके आपने इनको लाजमी याद भी करना है और इसको नोट डाउन भी करना है ये उर्दू मीनिंग है सिनोनिम्स आपको ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं मैं आपको टेस्ट में भी असेस करूँगी और आपके पेपर में भी आपकी असेसमेंट के तौर पे यूज़ होते हैं ठीक है सो so, इनको लाजमी करना है चलें जी इसका क्वेश्चन करते हैं पहला बॉक्स क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड पर मीन मीन्स पर का क्या मतलब है द वर्ड वर्डर मीन्स टू बी डेटरमाइंड पुख्ता आज़म होना साबित कदम रहना परसिस्ट होना मीन्स जिसका मतलब है टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू मुसलसल कोशिश करते रहना टू डू अचीव समथिंग इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज कोई चीज़ हासिल करने के लिए मुश्किल के बावजूद ये मैं आपको इमेज क्लियर कर देती हूँ इसका ताकि आप इसको नोट डाउन कर लें वर्ड परसवेर मीन्स टू बी डेटर माइंड परसिस्ट means to continue trying to do achieve something in spite of the difficulties आज का लेक्चर इतना ही था ये क्वेश्चन याद कीजिएगा और इसके वर्ड्स सिनोनिम्स को भी याद कीजिएगा थैंक यू सो मच